Tank low volume. And welcome back to Turntable. That's right. मैं हूँ अज़र हुसैन AZ और ये जो म्यूजिक आप सुन रहे थे पन्नी. Yes, जो डीजे पन्नी चला रहे थे म्यूजिक ये कार्डियक वाले जो हैं वो अनकरीब इनसे मदद मांगेंगे कि दिल की धड़कन को रेगुलेट करने के लिए इस टाइप की बीट इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. 8th of February, Wednesday. Thank you so much for tuning in back again. और कितना एपिसोड है ये? आज हमारा कितना एपिसोड है? I don't know. I've lost the count as well. 16th. I guess. Wow. Yes, that's right. Alright, और जी प्रोग्राम में आपको मालूम है आज वेडनेसडे है. आज हमारे पास प्रोग्राम में गेस्ट भी होते हैं, आपकी फोन कॉल्स भी होते हैं. वी हैव अ गिफ्ट गिव अवे और बहुत कुछ. एवरीथिंग इज कमिंग अप फॉर यू गाइस. बिल्कुल, वाउचर्स भी हैं, म्यूजिक वीडियोस भी हैं, गेस्ट भी हैं. लेकिन प्रोग्राम को शुरू करेंगे एक जबरदस्ती म्यूजिक वीडियो से. जी बिल्कुल, जबरदस्त किस्म. क्या दिखा रहे हैं आज सबसे पहले? आप सबसे पहले दिखा रहे हैं जीना सिखा दे. अब तेजी की रिक्वेस्ट थी कि व्हाई नॉट पुट ओवरलोड विद अ न्यू बीट. दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग. ये है डीजिंग का कमाल. उन लोगों से जरूर बचिए, उन पे पैसे ना जाया कीजिए जो कि आप इवेंट पे आना चाह रहे हो और कह रहे हो डीजे और उनको टर्न टेबल चलानी ना आती हो. नक्कालों से होशियार. ये है सोशल वेलफेयर मैसेज. मशवरा तो फ्री देने के लिए हर वक्त हम तैयार रहते हैं. एवरीबॉडी, द होल वर्ल्ड इज देयर फ्री मशवरा देने के लिए. और वेंसडे के दिन खासियत ये होती है कि हम आपको देते हैं वाउचर्स. वाउचर्स आप देख सकते हैं, चार वाउचर्स हैं हमारे पास. एक वाउचर है तारिक अमीन्स के अमेजिंग सैलून, भैरिया सैलून का. एक है जी टी जी, द जेन्युइन आइडिया, विच इज एन इवेंट बेस्ड कंपनी. एक फिर है राज मटाज, विच इज अ कैफे इन F10. और एक है कॉफी प्लैनेट भैरिया टाउन इस्लामाबाद का भी. राइट, सो हुएवर कॉल्स इज गोइंग टू बी अ लकी वन टू गेट ऑल फोर ऑफ देम. ऑलराइट, और उनको ये वाउचर लेकर जब मिलेगा उन्हें तो उनको क्या करना है, उसके साथ सेल्फी खींच के भेजनी है. सेल्फी खींच के हमारे पेज पे भेजनी है ताकि हम अपने पेज पे उसको लगा सकें. हमारा फोन नंबर एक्टिव है इस वक्त, दैट इज 0514102252 एंड वी हैव अ कॉलर एज वेल. आई जस्ट टेक इट. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ फोन पर? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बोल रहे हैं? जी मैं अली बोल रहा हूँ. अली कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुना, वेलकम टू द शो. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे आप हमारे बारे में? वेल इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम. बेसिकली आई हैव वॉच्ड फ्यू एपिसोड्स और मैंने आज का मैं देख रहा हूँ, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. Right. और माशाल्लाह पन्नी और आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड इट इज समथिंग वेरी इनोवेटिव एंड वेरी गुड. डू यू लाइक म्यूजिक योरसेल्फ? यस, आई लव द म्यूजिक. मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ. ओके, बस गाने वाला होना चाहिए बंदा. गाने वाला होना चाहिए बच्चा. अच्छा, जो बंदा सारे हर किस्म का म्यूजिक सुनता है ही कैन क्वालिफाई टू बिकम अ डीजे. यस, सिर्फ ये कि आपको टर्न टेबल सीखनी पड़ेगी और वो सीख लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एग्जैक्टली, यू आर राइट. या Thank you so much, Ali, for calling. And you're going to get 4 vouchers. I hope you will use them as well. Inshallah. And I paste it on the Facebook too. Don't worry. Please do that. Raj Mataz, Roos, check kijiyega. It's a new cafe in F10. It's really amazing. And Tariq means, you know, if you want to go for some haircut or something, you can utilize that. And please go to Coffee Planet. Because Coffee Planet, Tariq Amin is at the same place. That's right. No issues. I'll definitely try. No Thank issues. You. Take good care. Thank you for calling. Thank you very much, Pani. Thank you very much. Bye-bye. Itna zabardast, you know, I get myself a haircut and then have a coffee. That's a good treat. Yeah, that's a good treat. Apna haircut karayen, mani pedi karayen, jo bhi karana chahte hain, uske baad aap coffee pi. That's wonderful. So that's what we do. We like to give you vouchers out so that aap enjoy kar sakein thoda aur bhi in sardiyon mein. Very cool. Aur last jo video dekhi thi usko rate kar lein. Rate kar lete hain ji, usko video ko agar rate kare to I'll give it 6.5. Video ko, song ko I'll give 7.5. Okay. मुश्किल में पड़ जाते हैं डीजे पन्नी. जज वाली वीडियो को मैं दे देता हूँ 3.5. कोशिश उन्होंने की, उन्हें समझ नहीं आई क्या करना चाह रहे थे.
गाने की भी चार एक ले लें, ठीक है पांच दे दें यार, चार सख्त आदमी है ये। अच्छा एनीवे जनाब लिस्ट अगली देख लेते हैं, अगली का देख लेते हैं कि आप क्या रेट करते हैं। अगली किसकी है? फिरारी है, फिरारी इब्रारी आई है जी, फिरारी इब्रार की फिरारी जी, इब्रार की फिरारी, इब्रार की फिरारी। वो नहीं मिले तो गाना तो गा सकते हैं ना बंदा, चल बिल्कुल भी नहीं है मित्र के खिलाफ, लेकिन बेचारे फरहाद की यब निकल जाएगी। वेलकम बैक आफ्टर द वीडियो जिसका नाम था फिरारी। फिरारी जनाब आपने देखा, अब्रार लग की वीडियो थी, और वक्त है कि इसको रेट किया जाए। और रेट करने का तरीका कार ये है कि पहले एक बार फिर वीडियो देखी जाए। एक दफा ही काफी थी, एक बार टॉर्चर हो जाएगा मुझे। फिरारी उन्होंने इसलिए लाई कि जब से इमरान खान ने गाने गाने शुरू किए और उस तरह का जो म्यूजिक था, वो जो गाड़ियों की बात करते थे, इब्रार वॉज लाइक forced to make this song. I will rate this video as 6.5 and audio as 6.5. Well, I would say Abrarul Haq has lost it totally. Oh. No idea in his brain. Oh. Kal ho sakta hai toaster pe wo gana bana le. Oh, oh, oh. He needs to do something unique and different. Farigh gana, 3-3.5 videos ke mutabik 3.5. Kuch nahi tha, ek Ferrari aur maat hai. God. Desert ke aur wo gaon pind mein chale gaye. No relation with that. Nahi, see, beast no relation with anything. Abrarul Haq, you should stop making your own videos. Oh, you can't. He was making his own video? He should pay people to make his videos. Pay DJ Panni to make your video. No, I won't make your video. I won't even remix your song. Let's go to our guest. All right, before guest ko camera pe cut karne se, let's watch this small clip about yes, the yes, we have a clip video. About the guest, and we have a very lovely guest today. So let's watch the clip first. That's so right. That we can talk to her then. Mm-hmm. और अपने तारुफ के लिए इतना ही काफी है शकीब, अपने तारुफ के लिए इतना ही काफी है शकीब। हम उस राह से बचकर चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सर। उम्मीद है कि आप जहां होंगे, जिस हाल में होंगे और जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हमारा मानना है और हमारा मान भी है कि अच्छे लोग जिस हाल में भी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और भाई सीधी सी बात है, जो पहचान तुम्हें ऊपर वाला देता है ना, लोग तुम्हारा नसीब नहीं छीन सकते तुमसे। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे अंदर की दुनिया नहीं छीन सकते। लोग छीन सकते हैं तो ये हाथ में। अमेजिंग, रेडियो की दुनिया को, टीवी की दुनिया में बैठ कर उसको इस तरह मजे से एंजॉय करना। वो Amazing. एक मशहूर कहावत थी ना कि टेलीविजन किल्ड द रेडियो स्टार, तो हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। वी आर सेइंग टेलीविजन, व्हाट वुड यू से? और वैसे मैं देख रही हूँ ये जो आप रेटिंग देते हैं वीडियोस को और गानों को, पन्नी इज वेरी हार्श विद पीपल। वन हैज टू बी, वन हैज टू बी। अगर आप हार्श नहीं होंगे और आप अगर सीखेंगे नहीं, देखें वो कहते हैं ना, वो Khaam Kha ka buttering is not good. Yeah. Doesn't take you anywhere. Even he is not buttering. No, yeah, but at least, yaar, thoda sa appreciation number. No, encouragement, mera kaam encouragement dena nahi hai. Mera kaam hai ki aage uska engine pinjar hila de taaki logon ko samajh aaye. Ye American Idol mein wo jo Simon tha na, that's him. He's so good. Sanak, how are you? Kya ho raha hai? Radio chal kar rahe ho aap, TV bhi karte rehte ho. How does it feel? Pani, as you know, radio, TV, dono se aapka taluk hai. पैशन होता है, रेडियो टीवी हमारे लिए काम नहीं है, पैशन है। और जब हम तैयार होके उठते हैं, घर से निकलते हैं काम करने के लिए, काम की नीयत से नहीं, हमें ये होता है कि टू डू समथिंग, टू ब्रिंग आउट समथिंग, कोई अपनी अंदर से कुछ एनर्जी निकालें, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ अकल की बातें, कुछ काम की बातें। अच्छा, मेरे लिए आरजे बनना टोटल एक हादसा था जिंदगी का। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आरजे बन। कितना अर्सा हो गया आपको? 7 years, 7 साल हो गए आप रेडियो कर रही हैं। अब हादसा बताएं कैसे हुआ। हादसा ऐसे हुआ कि वन डे आई विजिटेड माई फ्रेंड्स ऑफिस एंड ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग अप विद समथिंग रेडियो। उन्होंने बोला कि मैडम नूरजहां की बरसी है, तो हमने भी स्टार्ट नहीं किया, सो व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड समथिंग फॉर मैडम नूरजहां के लिए, कुछ कह दें। हम
मैंने बोला कह देती हूँ, लेकिन शुरू हुई तो कहती चली गई। मैंने बोला मैं कह देती हूँ, लेकिन बचपन से मेरी आवाज को लोगों ने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। मैं इतनी सी थी और मेरी आवाज इतनी भारी थी, तो लोग कहते थे तुम्हारी आवाज है वो आवाज जिसने बहुत बातें सुनी बचपन से, आज वो आवाज पाकिस्तानियों को इतनी पसंद आ गई है। आई एम टोटली ग्लैड। और उस हादसे से आपने रेडियो शुरू कर दी? यस। अच्छा, और कितने रेडियो स्टेशंस अब तक आपने? मैंने 1, 2, 3, 4, दिस इज माय फोर्थ फिफ्थ रेडियो स्टेशन। फिफ्थ इन 7 इयर्स? यस। यू गॉट अ स्लो डाउन गर्ल, नाउ यू हैव टू स्लो डाउन आई गेस, यू आर विद देम फॉर 4 इयर्स। अच्छा, ये बताएं कि वो मुझे आज मुझे क्यों कह रहा था कि सलाम मायू जो कहती हैं स्लो जैम? ओह यस। तो ये ब्रेक मार मार के सोच के बोलती हैं या पनी? मेरा शुरू से ये था कि मैं बचपन से बातें करने का शौक था। आप हैं बहुत अपबीट इंसान। यस। और आप शो बहुत करती हैं मिड रेंज स्केल में, तो उसको कैसे संभालती हो? मैं शुरू से बातूनी थी, बचपन से मुझे बातें करने का शौक था, मुझे था कि मुझसे बस बातें करा। हाँ, लेकिन आपका शो का टेम्पो जरा डिफरेंट है आपकी पर्सनालिटी से। एक तो वो टाइम है, यू फील कंफर्टेबल विद इट? यस 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 यस, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो ठहर ठहर के बात की जाती है, देखो एक रेडियो का ट्रेंड चल रहा था हमारा, जब से हम एक ट्रेंड में आए हैं हमें था कि आरजे वो होता है जो नॉन स्टॉप बोलता है और कोई गैप नहीं आने देता। तो मुझे था कि मैं आरजे तो हूँ नहीं, मुझे था कि यार एक स्टाइल होता है आरजे का जो कैरी करना लाजमी होता है। सो आई ब्रिंग दैट स्टाइल विद मी कि बात ऐसी की जाए कि जो सुनने वाले को अच्छी भी लगे और ऐसी बात की जाए जो सुनने वाला बर्दाश्त भी कर सके। मेरी बातें होती हैं जरा भारी भारी, तो वो अगर जल्दी जल्दी निकल जाएंगी। हल्की हल्की बातें आप करती हैं, भारी भारी, ये कैसे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप फिर घुमा रही हैं हमें वहाँ पे ना। शख्सियत में वजन इतना पैदा हो गया है। Obviously, फिर आप इस अपने शो के मुताबिक उस पे आप रिसर्च करती हैं? नहीं, एक्चुअली आपस की बात है, आज मैं बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि ऐसा करते हैं, सीक्रेट को रोक के रखते हैं। ब्रेक, सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स वी गोना कम बैक टू हर सीक्रेट। ऐसी चीजें ब्रेक के बाद आती हैं। And welcome back after the break. और बढ़ते हैं फौरन सीक्रेट की तरफ। जी सीक्रेट, क्या सीक्रेट था वो? अच्छा, सीक्रेट ये था कि आई एम ऑलवेज अ लर्नर। हर इंसान जिंदगी में पढ़ता भी है, सीखता भी है, लेकिन मुझे किताबों से इतना शदीद इश्क है कि मैंने जो कुछ जिंदगी में सीखा पढ़ा, जो भी मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं उसको ग्रैब कर लेती हूँ। और ये रेडियो एक वाहिद ऐसा वैसा काम है कि जिसके लिए मैंने कभी तैयारी करके नहीं गई। मैं सिर्फ उठ के जाती हूँ और मुझे पता होता है कि जो मेरे पास है ना वो इट्स इनफ। और वो मैंने कभी रिसर्च नहीं की स्पेशली फॉर द शो, लेकिन जो मैं ऑलरेडी पढ़ती हूँ, जो मैं ऑलरेडी सीखती हूँ ज़िंदगी से, वो मैं चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी आपको सिखाती है ना वो लोगों तक पहुँच जाए। वो ज़्यादा किताबें तो सभी पढ़ते हैं, उस्तादों से भी सभी सीख लेते हैं। आपने कहा मैं उठती हूँ और शो पर चली जाती हूँ। हाँ, तो शो तो आपका 12 बजे होता है, तो आप उठती कब हैं? मतलब घर से उठ के चली जाती हूँ ना। That's a question. Extempore speaking जो है वो मुझे रेडियो ने सिखा दी। लेकिन उसकी बात हुई ना, रिसर्च आप पढ़ते रहते हो डिफरेंट चीजें अपने टॉपिक के मुताबिक से, तो इसलिए उसके बाद वो अगर आप ना पढ़ें तो फिर तो आप उस कस्टम का फिर आप शो का आपका कॉन्टेंट नहीं बनता। अच्छा, रेडियो आप करते हैं, यू बीन अ टेलीविजन एंकर एज वेल, होस्ट, रिपोर्टिंग वगैरह भी, ड्रामे भी करती रही हैं। लाइक ड्रामास आपने ड्रामे से बहुत स्टार्ट किया? ड्रामे नहीं करती हैं, ये एक्टिंग करती हैं। ड्रामे ड्रामास में काम करना। लेकिन आप ये बताएं कि आपको ज्यादा रेडियो पे मजा आता है या टीवी पे होस्टिंग का मजा आता है? अच्छा, ये सवाल अगर आपसे भी किया जाए ना तो आपका भी आई एम श्योर यही जवाब होगा। एक जो आर्टिस्ट होता है ना वो अपनी हर फील्ड को उतना ही इंजॉय करता है। व्हेन आई एम एक्टर तो मैं फिर उस कैरेक्टर के अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ होती हूँ। व्हेन आई एम आरजे तो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है कि यू हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ। और जब आप एक एंकर होते हो तो आप एक गोल ओरिएंटेड चीज लेकर चल रहे होते हो, योर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स इन दैट थो। लेकिन उसमें आपके पास एक गोल होता है कि आपने
बाय द एंड ऑफ द डे आपने ये अचीव करना है. सो आई गेस वट एवर रोल आई एम इन टू मैं तीनों इंजॉय करती हूँ. यू मेक द शेप ऑफ दैट पॉट जिसके अंदर यू गो इन, दैट्स वंडरफुल. अच्छा, सिंगिंग की तरफ का कोई शौक नहीं बना? सिंगिंग की तरफ का मुझसे पूछा था और मेरा काश मैं गाना गा सकती तो मैं गाना गाती. लेकिन मैं अगर सिंगिंग की तरफ आई, जो कि मेरा है इरादा, आई डोंट नो, सब रह जाएंगे. मैंने कव्वाली गानी, आई विल गो इनटू द कव्वाली जॉनरा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फीमेल कव्वाल्स का इतना ट्रेंड नहीं, तो मुझे है कि मेरी आवाज के हिसाब से कव्वाली ही चलेगी. चलो, वी गॉट अ कॉलर एज वेल एंड कव्वाली तो हम आज इनसे गुनगुनाएंगे. नहीं, कव्वाली सुनेंगे आज. वो बड़ी तेज है, उन्होंने कहा मैं करूंगी, अभी की नहीं है. आज देखिए, आज मौका है, महल भी है और ये भी है. आज हम आपको रेटिंग करने वाले भी बैठे हुए, तालियां बजाने वाले. हम आपस फोन कॉल है जी, लेते हैं फोन कॉल जी. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है? अर्जुना बात कर रही हूँ. एक दफा फिर नाम बताएंगी? अर्जुना. अर्जुना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. वेलकम टू आवर शो. थैंक यू वेरी मच. आज का शो बहुत जबरदस्त है. ये आपकी जो गेस्ट है, ये बहुत इंस्पायरिंग बातें कर रही है. मुझे भी शौक हो रहा है रेडियो ज्वाइन करने का. वाओ, वेरी गुड. पूछ लीजिए, हो सकता है ये आपको, हो सकता है आपको तरीका बता दें हम. ये भी हो सकता है. तो अर्जुना, म्यूजिक कितना सुनती हैं आप एक दिन? बहुत ज्यादा, स्पेशली जो आप लोग रिमिक्स करते हैं. ओके, लेकिन फिर भी दिन में आप कितना घंटा एक म्यूजिक सुनती होंगी? डेढ़ घंटा, दो? आई गो टू वर्क और गाड़ी में तो लाजमी म्यूजिक चल रहा होता है, तो मोर और लेस दो तीन घंटे तो सुन ही देता है मतलब. अच्छा, तो इसका मतलब है बड़ी सीरियस नेचर का आप काम करती हैं, जहाँ गाने नहीं सुने जा सकते. चलें, थैंक यू सो मच अर्जुना कॉलिंग. वी आर गोना गिव यू 4 वाउचर्स. आई होप यू विल यूज देम. वन इज फ्रॉम तारिक अमीन इन बहरिया टाउन, और इसी बहाने आप वहां जाएंगी तो कॉफी प्लेनेट भी है. देयर इज अ वाउचर फ्रॉम दैट एज वेल. And there's a voucher Great. from another cafe called Raz Mataz. Mm-hmm. And agar aapko event karna chahe to ek event management company ka bhi voucher hai. Mm-hmm. Okay, that's perfect. So please enjoy them and thank you and keep watching our show. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. Okay. So, back music, again. ये तो मुझे दे एक दो घंटे सुनती हैं म्यूजिक. वो हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप कितने किलो म्यूजिक सुनती हैं दिन में? Easy, are you asking me? मेरे ख्याल से म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल, और मुझे लगता है कि हम जो आर्टिस्ट या सेंसिटिव या मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग, उनका गुजारा म्यूजिक के बगैर नहीं. हमारा मूड बनता है म्यूजिक से. डेली 10 किलो म्यूजिक? नहीं, 10 किलो तो नहीं, बिचारी किलो एक ही सुन लेती. किलो एक सुन लेती हूँ, 2 किलो हो जाता होगा. 2 किलो हो जाता होगा. मेकअप करके तैयार कितनी जल्दी होती है? Half an hour. Do you believe in doing things sturdy and quick? Yes, I believe in smart work. कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि काम भी निकल जाए, और you should look presentable. ऐसे नहीं. और ये नहीं कि फजूल का time. और जो आपने तारिक अमीन की बात की, he is my guru, he is my diva. Makeup की tips में उनसे लेती रहती हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि मेकअप इतना होना चाहिए जो नजर ना आए. नजर ना आए, वो लेयर्स, वो जो होती हैं लेयर्स नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस मेकअप में से. दैट्स हाउ यू लुक ब्यूटीफुल. वेरी राइट, शी इज अ वेरी क्विक लर्नर. सो इसके साथ साथ ये बताओ कि ये जो स्लॉट कर रहे हो आप 12 से ऑनवर्ड्स, इसके अलावा कौन कौन से स्लॉट्स कर चुके हो? अच्छा, इसके अलावा मैंने तमाम स्लॉट्स एंजॉय किया. आपको पता है जब रेडियो में होता है कि बाज़ दफ़ा हमें प्रॉक्सी लगानी पड़ जाती है, किसी की एब्सेंट में किसी को रिप्लेस करना पड़ जाता है. तो आई हैव ट्राइड रश आवर भी ट्राई किया है, मॉर्निंग शो भी ट्राई किया है, और इवनिंग टाइम भी ट्राई किया है. लेकिन मुझे पर्सनली हमेशा से ऐसा लगता था कि जो मेरा अपना मिजाज है, अंदर का मिजाज है, वो मुझे होता है कि सुकून से यार बैठकर सुनो. रेडियो पर हमेशा ये होता है कि लोग गाने सुनते हैं. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं जब कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ या कहीं किसी को बोलती हूँ, तो शायद लोगों को बड़ी गिरा गुजरती है, लेकिन मुझे ये होता है कि यार लोग जब शो सुनते हैं ना, तो लोग मुझे सुनते हैं. लोग म्यूज़िक तो कहीं भी सुन लेते हैं, लेकिन जब रेडियो पर आप किसी आरजे का शो सुनते हो, तो आप उसकी वजह से सुनते हो. तो क्रेडिट गोज़ टू आरजे फॉर दैट टाइम स्लॉट. एंड एजी, योर स्लॉट इज आल्सो वर्किंग वंडरफुली. यू आर डूइंग वंडरफुली. आई एम नॉट एन आरजे, बट आई डोंट टॉक. आई एम नॉट एन आरजे. यू गाइस आर डीजे. आई एम नॉट एन आरजे. यस. लेकिन अच्छा, डीजे और आरजे में आज मुझे फर्क. लेकिन
एजी और मेरे शो में फर्क ये ना कि हम म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम कहते हैं लेट्स टॉक मोर म्यूजिक, हालांकि है तो हमारा ये, लेकिन जैसे आप रखते हो कि लिटिल बिट ऑफ मोर टॉक एंड लेसर म्यूजिक, ऑब्वियसली वो दो डिफरेंट डोमेन्स बन जाती हैं, तरीके ही दो डिफरेंट हैं। और आरजे और डीजे में फर्क इन्होंने पूछा है तो बड़ी चीजें कहने वाली। Yes, by the way, we are not radio jockeys anymore. We are the main presenters. Basically, होते presenters ही हैं। पिछले कुछ सालों में एक RJ loves बना लिया गया, जिसको radio jockey कह लिया गया। लेकिन DJs ये होते हैं कि वो एक turntable से गाने play करते हैं। असल में radio के अंदर जो presenter था, वो जब music चलाता था, he was considered as a radio DJ. Yeah. RJ एक radio station ने अपने लोगों को बाकियों से different create करने के लिए और they use this terminology. और basically ये है कि DJing आप सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आप turntable चलाते हो। जैसे गिटारिस्ट गिटार प्ले करेगा तो गिटारिस्ट कहलाया जाएगा। और हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है कि रेडियो वालों ने अपने प्रेजेंटर्स को डीजे बनना सिखाया ही नहीं। Exactly. हमने खुद एजी ने खुद सीखा और एजी से मैंने सीखा और फिर खुद ही किया। Why don't you start some kind of academy? Because DJing, हमारी यूथ काफी म्यूजिक के अंदर है और अगर ये खुद इन्वॉल्व होकर करती है, इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, यू कैन एक्सेल इन इट। आप इन्वेस्ट करें, अकेडमी खोलें, बिस्मिल्ला। Very soon. As I said, let's watch the next video, and this time is an English video we have for you guys. Or ye hai ji, don't let me down. Yes, and we'll come back and we're going to ask some more personal questions. उस गाने को देख के मुझे लगा bounce below but seriously amazing yaar, what guys you are doing with your fingers, it's amazing, it looks great. Well, agar hum bahar reh rahe hote, bahar ke mulk mein, to main definitely apni fingers insure karwa chuka. Oh yes. Oh, like Jennifer Lopez insured her body. So, aap ye bataye sana ke khane mein kya pasand hai? खाने में मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अम्मी के हाथ का बना हुआ हो तो वाकई सब कुछ खा लेती हूँ, और अगर बाजार का हो तो सिर्फ मैं कॉन्टिनेंटल खाती हूँ। अच्छा, खुद क्या बना लेती हूँ? कुछ भी बना लेती हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, पाकिस्तानी खाना अच्छा बना लेती हूँ, चाइनीज भी बना लेती हूँ। खुद कब कब बनाती हो? साल में कोई एक दो बार। All right. ये जो वीडियो थी इसको रेट करेंगी आप? यार गाना बहुत अच्छा था। Okay. गाने को मैं 7 दूंगी। Okay. आप भी बहुत टफ रेटर हैं। हाँ, बिल्कुल। गाने को मैं 7 दूंगी। Okay. वीडियो मुझे थोड़ा सा हैफजर्ड लगा, थोड़ा सा इतना कोई इंस्पायरिंग नहीं था, मतलब गाने के हिसाब से, तो मैं उसको 5.5। चलो, गुड रेटिंग फ्रॉम सना हमायूं। सना, ये बताओ कि कोई ऐसा वाकया रेडियो का जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एनीथिंग अनयूजुअली जो हमेशा याद हो। अनयूजुअल यार, रेडियो पर आशिक बड़े मिलते हैं। चिट्ठियां मिलती हैं, प्यार भरे खतूत मिलते हैं, मतलब आजकल का जमाना है जिसमें आप ईमेल्स, टेक्स्ट या मैसेजेस भेजते हो। इस जमाने में भी मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए डाक आती है, खतूत आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, वेनियर्स आते हैं, कस्टमाइज्ड कार्ड्स आते हैं विद माय फोटोज, कप्स के ऊपर प्रिंटिंग्स हुई होती है, कार्ड्स के ऊपर प्रिंटिंग। फैंस होते हैं, फैंस, क्रेजी फैंस। कुछ स्पेशल फैंस आपके जिनका आप नाम लेना चाहें? मोहम्मद नोमान बोतर हैं, ही इज डूइंग क्रेजी थिंग्स, वो अक्सर करते हैं, मेरी पेंटिंग्स बना के ले आएंगे, कप्स के ऊपर मेरी वो पॉटरी के ऊपर तस्वीरें बनवा के ले आएंगे, खतूत, मेरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं वो मेरे फैंस, तो वो एक बहुत एक्टिव फैन है। नोमी मेमन बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, चाहे मैं कराची में हूँ, चाहे मैं इस्लामाबाद में हूँ, मतलब मेरी बर्थडे पर गिफ्ट भिजवाना, एवरी ओकेशन मुझे इतने सारे गिफ्ट्स रिसीव। राइट, और भी एक आपके फैन हमारे फेसबुक पेज जो कि है हमारा facebook.com/turntableshow, उस पे भी एक फैन आया है, उनका नाम है हुमायूं खत्री, वो कह रहे हैं गुड, वो भी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। इसके अलावा कुछ और नाम है, आई एम गोना क्विकली रीड देम आउट, हुमैरा रिदा, hold on, let me pull this. Usman Awan, Numan Ahmed, Maryam Safdar, Ali Raza, Mano Khan, Aisha Ashu, and bahut se aur naam hai. Ba uske baad jo hai wo ek cheez hai, ghar bhul aaye agar wo hoti to aapko aur naam bhi padh ke suna sakte the. Wo kya cheez thi?
एनक कॉन्टैक्ट लेंस का जमाना है, एनकों का जमाना चला गया। एजी एजी को मैंने कहा बड़ी प्यारी प्यारी एनक्स के शेड्स आते हैं, लगा लो, लेकिन कहता नहीं। हाँ, मैं आई एम थिंकिंग कि आरजेस और डीजेस जो हैं वो रॉक स्टार्स होते हैं, अपने टाइम स्लॉट के वो स्टार्स होते हैं, और जब वो मेरे ख्याल से आई फील लाइक अ क्वीन इन माय स्टूडियो व्हेन आई एम इनसाइड। आई होप यू गाइस फील द सेम। एजी को कहें कि प्लीज एनक ले लें। कॉलर है हमारे पास, बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही है? मैं डॉक्टर आतिफा बात कर रही हूँ। डॉक्टर आतिफा, आपको हम वेलकम कहेंगे टर्न टेबल पर, और हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं, और आप डीजे पन्नी, आपसे कोई सवाल पूछें इनसे। क्या करती हैं आप डॉक्टर साहिबा? सर्जरी। हेलो क्या करती हैं आप, डॉक्टरी करती हैं या नहीं, या घर पे होती हैं? नहीं, डॉक्टरी करती हैं। सर्जरी क्या अजर पूछ रहे हैं आप, सर्जरी करती हैं कि क्या करती हैं? मेरा बस अपना छोटा सा क्लिनिक है। अच्छा, ठीक है, तो आप उस क्लिनिक पे कितना टाइम दे रही हैं दिन में? दिन में तकरीबन 3 to 4 hours। कहती है कि जो लोग डॉक्टर अपना क्लिनिक रखते हैं वो नोट छापने की एक मशीन होती है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये अपना बंदे का माइंड होता है, अपना जमीर होता है। अच्छा, तो आप ज्यादा जरूरी नहीं पैसा ही सब कुछ हो, तो आप ज्यादा बिलीव करती हैं कि अपने पेशे के जरिए आप लोगों को ज्यादा खिदमत करें? ऊंचा बोलने की आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। ऊंचा बोलें। आप ये समझती हैं कि आप अपने पेशे से लोगों की खिदमत खल्क करें? बिल्कुल, मैं कहती हूँ जो पेशेंट है वो दोबारा ना आए। चले, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी अच्छी बात के एवज हम आपको 4 बड़े मजेदार से वाउचर्स देंगे, इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 2 कैफेज हैं, 1 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और 1 स्टाइलिंग सैलून है तारिक अमीन का। ठीक है, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाकी ये था कि आपका ना शो बहुत अच्छा है, मैं देखती रही, तो आज शुक्र है मेरी कॉल मिल गई। थैंक यू, सॉन्ग्स अच्छे से चलाते हैं आप, बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। अजर खास तौर पे ये सॉन्ग्स लेकर आते हैं ताकि आप लोग महजूज हो सके नई म्यूजिक वीडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, कोई भी लगे ना सारे अच्छे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा से मुझे याद आया, वैसे बचपन से मैं भी डॉक्टर बनना, आप भी डॉक्टर बनना चाह रही थी, नहीं बनी? मैं बन गई हूँ, बन गई, लेकिन मैं पेशेंट्स का इलाज औजार से नहीं, आवाज से करती हूँ। आवाज से करती हैं वो म्यूजिक। ओके, एक वैसे डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टरी छोड़कर रेडियो में आए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज कुरैशी। ओह यस, उनकी भी बर्थडे थी, वी हैव टू से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू मैन। एंड सना, ये बताएं कि यू हैव टेकन क्वाइट सम ब्रेक फ्रॉम ड्रामास। यस, कितना अर्सा हो गया ड्रामा ना किए हुए? 3 साल ड्रामे का ब्रेक लिया था, फिर लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट किया, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए थे, उसके बाद से फिर अभी तक ब्रेक लिया हुआ। कहीं आपके फैंस जो हैं वो देख सकते हैं आपको अनकरीब कहीं किसी ड्रामे पे, या सोच रही हैं? या सो फार अभी इस साल एक्सपेक्टेड है कि 1-2 ड्रामा दिल चाह रहा है कि कर लूँ। वो जो अदाकार है ना अंदर का, वो थोड़ा सा कुसमसा रहा है, बाहर आने का तड़प रहा है। चलें, होपफुली यू माइट गेट अ फिल्म समडे एज वेल। और फिल्मों की तरफ कोई आपको आई ऑफर शॉफर अभी तक? नहीं यार, ऑनेस्टली अभी तक नहीं आई है। वेल, दे शुड हैव यू इन द फिल्म्स नाउ। हमारी फिल्मों में अभी तक जिस तरह की अदाकारी वाली जो लेडीज के लिए कैरेक्टर्स है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी वो जनरेट हो रहे हैं। अभी हम लोग कमर्शियलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर एक फिल्म से ऑफर हो कि उसमें एक बेहतरीन सा आइटम नंबर भी करना पड़ेगा, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? नो नो, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी, डांस नहीं करना मुझे।